एट सम देख रहे हैं, ए का कोऑर्डिनेट 1 एंड 2, बी 1 एंड 6 एंड सी 1+2√3 एंड 4। और हमें देखना है शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टिक्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड सेम होते हैं तो उसका स्लोप भी सेम होना चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हमें पहले डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस तीनों साइड सेम होनी चाहिए, है ना। तो पहले क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से बाय डिस्टेंस फॉर्मूला पहले ए बी लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, इसके लिए मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ। फॉर्मूला क्या, एक्स ए बी है तो एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर 1 - 1² प्लस वाई टू माइनस वाई वन 6 - 2 स्क्वेयर। इसका इधर ही लिख रही हूँ, क्या हो जाएगा 1 - 1 जीरो, जीरो का स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर, तो क्या हुआ, जीरो का कुछ वैल्यू नहीं, 4 का स्क्वेयर। तो ए बी कितना आया 4 का स्क्वायर, मतलब इन रूट बाहर आएगा तो 4 हो गया। ठीक है, अभी बी सी करते हैं। बी सी बी और सी इन रूट एक्स टू माइनस एक्स वन 1+2√3 माइनस 1 ए हो गया प्लस वाई टू माइनस वाई वन 4 - 6² तो अभी यहाँ पे जगह नहीं, नीचे लिखते हैं। यहाँ पे देखो प्लस और माइनस कट हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, 2√3² प्लस माइनस 2² तो क्या आएगा 2 - 2 = 4। इसको निकाल भी सकते, 2 - 2 = 4, 4 × 3 = 12 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 तो क्या हुआ 16। तो बी सी कितना आया 4। अभी ए सी डिस्टेंस फॉर्मूला ए एंड सी, तो वापस एक्स टू माइनस एक्स वन 1+2√3 - 1 प्लस 4 - 2 स्क्वायर तो क्या होगा, जगह है ना यहाँ पे, वापस ये कट हुआ तो आपके पास क्या बचा 2√3² + 2² तो 2√3² कितना है 12 और 2² = 4 तो अगेन 16। तो ए सी भी आया 16। ठीक है, तो अभी ये 16 है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये तीनों सेम हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर फाइनल आंसर भी आप लिख सकते, फाइनल आंसर लिखना ही है। फाइनल आंसर क्या है, देयरफॉर ए ए कितना है 1 एंड 2, बी कितना है 1 एंड 6 एंड सी कितना है 1+2√3 एंड 4 आर वर्टिक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल।